दोस्तों तैयार हो जाइए इतिहास के सुनहरे पन्नों में झांकने के लिए। आज हम आपको ले चल रहे हैं ज्ञान के धाम नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा पर, जिसकी वापसी शिक्षा जगत में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में इसके नए परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये नया परिसर किसी शानदार विरासत को सहेजे हुए खड़ा है, क्योंकि ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर राजगीर में बन रहा है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि प्राचीन नालंदा तो पटना से भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। चलिए अब नजर डालते हैं इस नए परिसर पर। ये 455 एकड़ में फैला हुआ है, मानो शिक्षा का एक विशाल नगर। यहाँ पढ़ाई के लिए अलग अलग भवन है, तो रहने के लिए छात्रावास और टीचर्स के लिए आरामदेह क्वार्टर भी बनाए गए हैं। लेटेस्ट लैब्स और एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी इस परिसर की शान है। पर यह यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यहाँ आपको एक अनोखी खूबी देखने को मिलेगी। ये पूरा परिसर गाड़ियों से मुक्त रहने वाला है। जी हाँ, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ आने वाले हर किसी को, चाहे वो छात्र हो, टीचर हो या मेहमान, घूमने के लिए सिर्फ पैदल चलना होगा या साइकिल का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पढ़ाई की। ये यूनिवर्सिटी करीब 7500 स्टूडेंट्स और टीचर्स का ज्ञान का केंद्र बनेगी। ये छात्र इतिहास, पर्यावरण, बौद्ध धर्म, दर्शन शास्त्र, भाषा और मैनेजमेंट जैसे विविध विषयों में अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा पद्धति में ही खास नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन और परिसर में भी अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ खुले कमरों को स्टडी सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यहाँ का मार्केट भी थोड़ा अलग होगा, इसकी दुकानें बोतल के आकार जैसी होंगी। वाकई दिलचस्प। अब आते हैं इस यूनिवर्सिटी के डिजाइन पर। आपको यहाँ प्राचीन नालंदा की ईंटों से बनी इमारतों की झलक देखने को मिलेगी, खासतौर से एडमिन ब्लॉक में, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। इसके अलावा यहाँ की दीवारों को गर्मी को रोकने के लिए खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ तक कि एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी का इस्तेमाल गर्म पानी बनाने में भी किया जाएगा। वातावरण को हितैषी ये तकनीक सराहनीय है। कैंपस के बीच में एक खूबसूरत कमल का तालाब होगा, जिसके एक तरफ दुकानों की एक श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ स्टेशनरी से लेकर खाने पीने का सामान तक सब कुछ मिलेगा। ये मार्केट न सिर्फ जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि कैंपस की खूबसूरती में भी चार चांद लगाएगा। ये नया परिसर दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, या यूं कहें नालंदा महाविहार की विरासत को ही आगे बढ़ा रहा है। ये विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। उस वक्त यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र और युद्ध कला जैसी विधाओं का अध्ययन होता था। ये वो दौर था जब विश्वविद्यालय जैसी अवधारणा भी लगभग नहीं थी। बताया जाता है कि प्राचीन नालंदा में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:8 हुआ करता था, यानी लगभग 10,000 छात्रों के लिए 2,000 शिक्षक। ये परंपरा भी इस नए परिसर में कायम रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये था नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की झलक। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह नया विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए शिक्षा का एक नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में ये कितने विद्वानों को तैयार करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ज्ञान का ये दीप एक बार फिर से जगमगा उठा है।